आज 76 साल के हो गए हैं दिग्गज कवि और गीतकार जावेद अख्तर, बेटे फरहान, पत्नी शबाना आजमी और आलिया ने आखिर किस अंदाज में किया उन्हें विश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्री अरोरा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो बॉलीवुड के दिग्गज कवि और गीतकार जावेद अख्तर आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास अवसर पर पत्नी शबाना आजमी और बेटे फरहान अख्तर समेत कई बॉलीवुड सितारों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जावेद की पत्नी शबाना आजमी ने उनकी बुक तरकश की फ़ोटो सोशल मीडिया पर साझा की है। फ़ोटो साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, तरकश 22वें संस्करण के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कविता की तमाम किताबों के लिए एक रिकॉर्ड है। चलिए अब जान लेते हैं कि फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कौन सी तस्वीरें साझा की हैं और उन तस्वीरों के साथ क्या कैप्शन लिखा है उन्होंने। फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर अपने बचपन की कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वो पिता जावेद अख्तर के साथ दिखाई दे रहे हैं। फरहान ने कैप्शन में लिखा है, हैप्पी बर्थडे पा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं आलिया भट्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट साझा की और जावेद साहब को हैप्पी बर्थडे विश किया। आलिया ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे जावेद साहब, मैं आपके साथ उस मीटिंग को बहुत याद करती हूँ जिसमें हमने लाइफ के बारे में ढेर सारी बातें की थी, उम्मीद है आपसे जल्दी मिलना होगा। वहीं जाने माने अभिनेता अनिल कपूर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से दो तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वो जावेद अख्तर साहब के साथ नज़र आ रहे हैं। अनिल कपूर ने तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन लिखा, जब मुझे लगा मैं ये नहीं कर सकता हूँ तब आपने मुझे यकीन दिलाया कि मैं वे कर सकता हूँ, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं चुका सकता, शुक्रिया, हैप्पी बर्थडे। आपको बता दें कि पिछले 3 साल के रिलेशन के बाद फरहान अख्तर अब फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड बानी डांडेकर से शादी करने जा रहे हैं। इस पर पिता जावेद ने कहा, मेरा मानना है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके पास प्राइवेसी का अधिकार होता है और ऐसे में उनकी ज़िंदगी से जुड़े सवाल जवाब पूछना वाजिब नहीं है। जावेद साहब ने आगे लिखा, अगर बच्चे अपनी पर्सनल बातें बताते हैं तो प्यार और ध्यान से उसे सुनना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी भी तरह की जाँच पड़ताल या जासूसी या फिर इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे बच्चे अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी बातें मुझसे साझा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं कभी उस बारे में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करूँगा। तो चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं जावेद साहब की कुछ गज़लों पर भी। कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, हंसती आँखों में झांक कर देखो, कोई आंसू कहीं छुपा होगा। तू तो मत कह हमें बुरा दुनिया, तू तो मत कह हमें बुरा दुनिया, तूने ढाला है और ढले हैं हम, तब हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे, अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती है। तुम फिजूल बातों को का दिल पर बोझ मत लेना, तुम फिजूल बातों का दिल पर बोझ मत लेना, हम तो खैर लेंगे जिंदगी बसर तन्हा, गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ गज़लें थी जावेद साहब की, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी थी ऋचा राय ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।